हाँ बेटा, नेक्स्ट जो आपका सम है वो है एक 3 मीटर चौड़ी तरपाल है, हमने बताना है कि वो कितने मीटर लगेगी। अगर जो ऐसा कॉनिकल टेंट है जिसका बेस रेडियस 6 मीटर है और हाइट 8 मीटर है, तो पहले हम निकालेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। एल होगी आपकी 10 मीटर, तो फॉर्मूला लगेगा कार्बन सरफेस एरिया का पाई आर एल। इसमें जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 दी हुई है, इंटू रेडियस 6 है, एल 10 है। ये 2 छोड़ के आ गया, मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 3 मीटर चौड़ी है, जैसे कि मान लो तरपाल है तो 3 मीटर चौड़ी है, तो इसका जो एरिया है 188.4 मीटर स्क्वायर आ गया। तो जो लेंथ अगर निकालेंगे तो वो होगी एरिया डिवाइडेड बाय 3। तो लेंथ इक्वल टू 188.4 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गई 62.8 मीटर। तो इसमें एक्सेस जो लगता है, जो इसको सीने वगैरह में लगता है, बनाने में लगता है, वो 20 सेंटीमीटर स्केल लगता है, तो वो इसमें 0.2 ये प्लस कर देंगे, तो आ गया 63 मीटर। टोटल लेंथ जो इसकी होगी वो 63 मीटर होगी, यानी कि जो रेडियस ऑफ बेस का रेडियस 6 मीटर है, हाइट 8 मीटर है। तो इस फार्मूले से हमने इसकी अपनी लेंथ स्नाट हाइट निकाल ली। ठीक है, और उसके बाद आगे सम को उसका फुल लेंथ निकाल ली। ओके, थैंक यू।